अब जॉन विक जैसे शख्स को किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमने उसे देखा, परखा और समझा है कि वो क्या क्या कर सकता है, वो भी किन चीजों के साथ। और इतना सब कुछ होने के बाद ये कहना कोई बुरी बात नहीं होगी कि जॉन विक एक फकिंग सुपर ह्यूमन है। मैं इसे कोई हीरो नहीं कह रहा हूँ, जो कि ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं इसे एक एंटी हीरो कह रहा हूँ, जो कि एक सुपर ह्यूमन के तौर पे कहा जा सकता है। ऊपर से जॉन विक का यूनिवर्स भी कोई नॉर्मल यूनिवर्स नहीं है। ऑलमोस्ट मेजर पॉपुलेशन कॉन्टिनेंटल, हाई टेबल या फिर किसी न किसी क्राइम सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। लोगों की 1.5 फीट बगल में किसी आदमी को मार दिया जाता है और लोगों को झांट फर्क नहीं पड़ता, वो भी किसी के बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं करते, स्पेशली हाई टेबल के बिजनेस में। काफी ही सलीके और सोफिस्टिकेशन से काम होता है इधर। और आगे बढ़ने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो, जॉन विक को अगर हम सुपर ह्यूमन का टैग दे रहे हैं तो उससे पहले हमें इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में जानना होगा कि वो कैसा शख्स है। हम मोस्ट प्रोबेबली यही मान के चलते हैं कि मिस्टर विक की बैक स्टोरी बहुत ही हार्श रही होगी। उसकी ट्रेनिंग, चाइल्डहुड, अडल्टहुड कोई आसान नहीं रहा होगा। मिस्टर विक के लड़ने के तरीके से मैं ये बात कही सकता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली इसके पास मिलिट्री सर्विस का भी एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो मिस्टर विक अपने अपोनेंट्स को 3-3 राउंड्स के शॉट्स मारते हैं, जैसे कि एक मिलिट्री पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है। ऊपर से इनकी पीठ का टैटू स्लोगन Fortis Fortuna Adivat, that means fortune favors the blood, जो कि US Marine Corps में काफी widely use किया जाता है। Along with all this military background, Mr. Vick का काफी बड़ा hitman career भी है। इन्होंने Continental के लिए काम किया, उसके बाद 1300 Mobsters Crime Family के लिए भी काम किया। इन सब बातों के बावजूद John Wick बहुत ही कम बोलते हैं, मतलब कि जितना necessary होता है उतना ही वो बोलना पसंद करते हैं। और as a professional assassin और hitman होने के कारण उन्हें अपनी abilities और reputation पे confidence है, जिसकी वजह से around the world के criminal organizations और बाकी उसकी इज्जत करते हैं और उससे इंटिमिडेटेड रहते हैं, क्योंकि भाई डर बहुत जरूरी है। मगर इन सब बातों के अलावा इसकी पर्सनैलिटी की एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोरल कोड है, जिसकी ये पर्सनली इज्जत करता है। मिस्टर विक कभी भी इनोसेंट्स या फिर अपने कलीग्स को कभी भी जबरदस्ती अपने काम में नहीं आने देते या फिर फालतू में उन्हें धमकियां नहीं देती। बस अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं है तो उनके रास्ते से हट जाओ और अपनी जिंदगी बचा लो। और लड़ाई के दौरान हमने ऐसा भी कई बार देखा है कि जॉन विक अपने फेलो कलीग्स को मारने के बाद भी उनकी इज्जत करते हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है वो भी जानते हैं, और ऊपर से वो पीना क्या पसंद करते हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि वो बहुत ही जेनरस और मिलनसार आदमी है। अपने बिजनेस के खतरनाक से खतरनाक लोगों की उनकी दोस्ती है, वो भी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है कि जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए मगर तब भी वो उसकी मदद करेंगे। और इस बात का बहुत ही अच्छा एग्जांपल अपने मार्कस और होटल कॉन्टिनेंटल के विंस्टन है। अब चलो, ये सारी बातें तो हो गई मिस्टर विक की ऊपर की पर्सनालिटी की, मगर इसकी एबिलिटीज का क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, जॉन विक रिटायर होने के 4 साल बाद भी अपनी पीक ह्यूमन कंडीशन में है, जितनी जरूरत है कि जब किसी कुत्ते के बच्चे ने उसके कुत्ते को मार दिया तो उसने उसे कुत्ते की मौत दी। अपने रिटायरमेंट के 4 साल बाद भी मिस्टर विक की फिजियोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया है। वो अब भी फुल ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, अजाइल, ड्यूरेबल, हाइपरेंड्रॉलरेंस और स्टेमिना से भरपूर है, वो भी इस एज में, जो शख्स अपने लेट 40s और अर्ली 50s में चल रहा हो, काफी बड़ी बात है। मगर एक सुपर ह्यूमन बनने के लिए इतना सब कुछ काफी थोड़ी ना होता है, और भी चीजें हैं, जैसे कि उसकी इंटेलिजेंस। मूवी में सैंटोनियो डी एंटोनियो ने ही बताया है, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे हो कि कहां से निकलूंगा, गार्ड्स क्या मुझ तक वक्त पर पहुंच पाओगे, कैसे मारोगे मुझे, है ना, उस औरत की पेन, उसका केन, शायद उसके ग्लासेस, मेरे हाथ। वाह जॉन, क्या बात है। अब देखो, ये बात हमें पता है कि दोनों काफी साथ में काम कर चुके हैं। ऊपर से जॉन के रिटायर होने से पहले उसके लास्ट मिशन में इसी ने उसकी हेल्प की थी। वो जानता था कि मिस्टर विक कैसे सोचते हैं। वो मास्टर टैक्टिशियन है, मास्टर इन मार्शल आर्ट्स है, मास्टर मार्क्समैन है, मास्टर इन स्टेल्थ है, और सबसे बड़ी बात, वो एक मास्टर असैसिन है, मल्टीलिंगुअल है, कई सारे भाषाओं में फ्लुएंसी रखता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, रशियन, इटालियन, हिब्रू, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, अरेबिक, जापानीज और इंडोनेशियन। और इस बात को हम थ्रू आउट मूवी सीरीज में देखते ही हैं। इसके बाद भी वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तौर से इंटिमिडेटिंग है, मतलब कि इतनी ज्यादा स्किल्स, पोजीशन और पावर होने के बावजूद भी वो लड़ाई अवॉइड करता है जब तक कोई जरूरी ना हो। और इस बात का बहुत ही अच्छा एग्जांपल चैप्टर 2 के शुरू में ही हमें देखने को मिलता है, जहां मिस्टर विक चाहते तो वीगो के भाई इब्राहिम 1300 को मार सकते थे, मगर उसने शांति का रास्ता चुना। वो जान चुका था और ये बात समझ चुका था कि ये डर चुका है और फालतू में कोई गोली वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद भी उसके रिलेशंस बाकी असैसिन कम्युनिटी के लोगों
से भी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो किंग ब्राउरी की बात कर लो या फिर डॉग की बात कर लो, लोग उसकी मदद करते हैं भले ही वो कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो। इसके बाद भी एक बात आती है, अखंड इच्छा शक्ति, मतलब कि जॉन विक ने एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और जो एक बार गोल सेट कर लिया अपने दिमाग में, उसे वो कंप्लीट करता है चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। उसके लेवल का फोकस और लेजेंडरी स्टेटस असैसिन कम्युनिटी में वर्ल्ड फेमस है। यहाँ तक कि जो लोग उसे मारने तक आते हैं वो उसे बोलते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उसने इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल टास्क को कम्प्लीट किया है। और उसके लिए ये सारी पावर्स होना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पिछवाड़े में गूदा होना चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कॉन्टिनेंटल में घुस के गोली मारेंगे, हाई टेबल के ऑर्डर्स झांट नहीं मानेंगे, और वो बात समझ चुका है कि इस बात को हैंडल कैसे करना है। अब देखो, अभी एक बात छूट रही है, ये सब पावर, फोकस, प्रबल इच्छा, कमिटमेंट तभी तक अच्छी लगती है जब तक आपके पास लक हो। कायदे से देखें तो चैप्टर 1, 2 और 3 में जॉन को टोटल 5 से 6 बार बचाया गया है किस्मत से। 2 बार तो मार्कस ने स्नाइपिंग करके बचाया, विंस्टन ने कॉन्टिनेंटल के रूल से हट के 2 बार उसे बचाया, ब्रावरी किंग ने भी उसे बचाया। तो भाई किस्मत चाहिए, मगर ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस्मत जॉन विक का साथ क्यों देती है, क्योंकि उसने ऐसे कई सारे पुराने कांड किए हैं, कुछ पुराने दोस्त हैं जो उसका साथ किसी भी हालत में देते हैं, कुछ ऐसे एहसान हैं उसके पास, भले ही उन्हें उसके साथ हाई टेबल से क्यों ना लड़ना पड़े। और वैसे भी इतनी सारी एबिलिटीज के साथ दुनिया में कितने ही लोग होते हैं, मेरे ख्याल से ना के बराबर। तो इतनी सारी बात सब कुछ सुनने, कहने और समझने के बाद ये बात मैं कही सकता हूँ कि जार्दानी जोवोनोविच उर्फ जोनाथन विक एक सुपर ह्यूमन है। मैंने तो अपनी बात कह दी, मगर क्या आप इस बाबा यागा को सुपर ह्यूमन मानते हैं, वो भी क्यों, पता चले आप क्या सोचते हैं। इन सब के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ जॉन विक के पावर्स और एबिलिटीज में से कोई बात छोड़ दी, तो वो भी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों जरूर से शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए PJ Explained।